हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग में देखने जाने वाले हैं ममदानी मॉडल के बेस पे सम। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 99% एग्जाम में आता है। अब तक एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो ये क्वेश्चन ना आया हो। 20 मार्क्स के लिए आता है, बाकी 1% की मैं गारंटी नहीं दे सकता, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसके बेस पे सम देखने वाले कि उसमें क्या क्या, उसको किस तरह का उसका सम सॉल्व करते, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और एक एक चीज डिटेलिंग में देखेंगे। मानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देखना और दूसरी बार भी देख लेना क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते, क्या पूछा गया है कि डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम ऑफ अ डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन। क्यों वापस पढ़ लेते कि डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम ऑफ द डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन। अज्यूम द इनपुट इज डर्ट एंड ग्रीस ऑन क्लोथ्स। Use 3 descriptor for input variable and 5 descriptor for output variable. Derive a set of rules for controller actions and defuzzification. The design should be supported by figure wherever possible. Show that if the clothes are set to be larger degree, the wash time will be more and very vice versa. तो भाई पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले आपको क्या बोला है पता है कि डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम ऑफ द डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन। आपको एक कंट्रोलर बनाना है, मतलब ये देखो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमें बनानी है जिसमें क्या होगा पता है, हम बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे ना टी शर्ट में ना ग्रीस लगा हुआ है और मीडियम ग्रीस लगा है और ज्यादा डर्ट है, तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कि हाँ भाई ठीक है 25 मिनट के लिए रख दे धुल जाएगी, तो अपने हिसाब से खुद वो अपने हिसाब से उसको वॉश टाइम मैनेज करे, ऐसा हमें कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम ऑफ द डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन। अज्यूम द इनपुट इज डर्ट एंड ग्रीस ऑन द क्लोथ्स। क्लोथ्स पे क्या हो सकता है, डर्ट एंड ग्रीस। यूज 3 डिस्क्रिप्टर फॉर द इनपुट वेरिएबल एंड 5 डिस्क्रिप्टर फॉर द आउटपुट वेरिएबल। ये डिस्क्रिप्टर क्या होता है आगे जब हम स्टेप देखेंगे तो उसमें देखेंगे। डिराइव द सेट ऑफ रूल फॉर द कंट्रोलर एक्शंस एंड डिफजिफिकेशन, ये भी क्या होता है जब स्टेप देखेंगे तब देखेंगे। डिजाइन शुड बी सपोर्टेड बाय फिगर वेर एवर पॉसिबल, इसका मतलब क्या है भाई, जहां जहां डायग्राम हो वहां पे बनाओ। सो दैट इफ द क्लोथ्स आर सॉलिड टू अ लार्ज डिग्री द वॉश टाइम विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आपके कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो ये आपको प्रूफ करना है कि भाई टाइम ज्यादा लगेगा वॉश टाइम को, तो वो आपको प्रूफ करना है। अगर कम गंदे हैं तो कम टाइम लगेगा, जैसे कह रहे हैं वाइस वर्सा। तो अब इस स्टेप को सॉल्व कैसे करते हो, और जैसे आपने मैं बेसिक तो बता दिया कि आपको बनाना क्या है, आपको एक कंट्रोलर बनाना है ऑटोमेटिक जो अपने हिसाब से वॉश टाइम ये करे, क्या करे, हाँ अपने हिसाब से वॉश टाइम अरेंज करे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने के लिए कुछ 5 स्टेप्स है, तो जैसे आप देख सकते हो स्टेप्स टू सॉल्व द ममदानी मॉडल प्रॉब्लम। पहला स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल और डिसाइड करना है डिस्क्रिप्टर फॉर द सेम। तो वो क्या होता है जब हम आगे एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या है, आपको इनपुट और आउटपुट वेरिएबल को फाइंड, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है और उसका डिस्क्रिप्टर डिसाइड करना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें मेंबरशिप फंक्शन निकालना है हर एक इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल का। तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि मैं होप करता हूं कि आपने हमारे बाकी के सॉफ्ट कंप्यूटिंग के वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे तो मेंबरशिप फंक्शन का मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो देख लो तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए, वरना कहीं ना कहीं छोटा बहुत कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक बार वीडियो देख लेना भाई, ज्यादा करके नहीं, 5 या 10 मिनट का ही वीडियो है। थर्ड स्टेप क्या है कि हमें रूल बेस बनाना है। फोर्थ, जो रूल बनाए हैं उनको इवेल्युएट करने हैं। फिफ्थ होता है डीफजिफिकेशन। डीफजिफिकेशन बोले तो क्या, कि देखो फजिफिकेशन क्या करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, एआई में कैसा होता है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन फजी वैल्यू क्या होता है कि हाँ भाई थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। डीफजिफिकेशन वैल्यू जो अपना ऊपर नीचे ना उनको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना डीफजिफिकेशन होता है। तो उस चीजों को हम देखेंगे। सबसे आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप के, कि आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल एंड डिसाइड डिस्क्रिप्टर फॉर द सेम। तो जैसे आप देख सकते हो, आई होप ये विजिबल है पूरा, एक सेकेंड में उसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। हाँ क्लियर है, ओके। तो जैसे आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल एंड डिसाइड द डिस्क्रिप्टर। तो सवाल पढ़ते हो और उसमें से इनपुट और आउटपुट वेरिएबल आइडेंटिफाई करते। तो क्या पूछा गया है कि डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम। तो जो पूछा गया है वो क्या है, आउटपुट। तो वो आपका आउटपुट वेरिएबल है कि डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिजाइन द डिटरमाइन द वॉश टाइम। तो जो भी आपको पूछा गया वो आपका क्या रहता है, हमेशा आउटपुट वेरिएबल। सेकेंड, आपको इनपुट वेरिएबल पहले से बताया गया है कि अज्यूम द इनपुट इज डर्ट एंड ग्रीस।
तो डर्ट एंड ग्रीस आपका क्या इनपुट है और आउटपुट क्या है, वॉश टाइम है। उन्होंने और भी कुछ दिया है, पहले स्टेप में क्या होता है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल हमें फाइंड करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर हमें उनके डिस्क्रिप्टर बनाने पड़ते हैं। तो हमें पहले से दिया गया है कि यूज 3 डिस्क्रिप्टर फॉर द इनपुट वेरिएबल एंड 5 डिस्क्रिप्टर फॉर द आउटपुट वेरिएबल। मतलब जो इनपुट वेरिएबल है कौन सा, ग्रीस और डर्ट, उसके लिए हमें 3 डिस्क्रिप्टर बनाने हैं, और आउटपुट वेरिएबल जो वॉश टाइम है उसके लिए 5 डिस्क्रिप्टर बनाने। तो आपका सवाल होगा कि सुमेर ये डिस्क्रिप्टर है क्या, तो भाई कुछ नहीं है डिस्क्रिप्टर, चलो बताता हूं मैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल एंड डिसाइड डिस्क्रिप्टर। तो जैसा आप देख सकते हो अपन ने हियर इनपुट आर डर्ट एंड ग्रीस, हम डर्ट और ग्रीस को किसमें अज्यूम कर रहे हैं, परसेंटेज में, अज्यूम दे आर इन परसेंटेज। आउटपुट इज वॉच टाइम तो मेजर इन मिनट्स, तो ये अपन अपने हिसाब से लेना, ठीक है। वॉच टाइम है तो ऑब्वियसली मिनट्स में हम उसको लेंगे, और डर्ट और ग्रीस है तो उनको परसेंटेज में लेते हैं। अब आया था डिस्क्रिप्टर, तो डिस्क्रिप्टर जैसा इन्होंने बोला है कि इनपुट वेरिएबल का, हर एक इनपुट वेरिएबल का हमें 3 डिस्क्रिप्टर लेने। तो डिस्क्रिप्टर होते क्या यार, थोड़ा सा डिटेलिंग में, डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में। जैसा आप देख सकते हो इनपुट मेरा जो डर्ट है, तो डर्ट का 3 डिस्क्रिप्टर मैं क्या लूंगा कि स्मॉल डर्ट, मीडियम डर्ट और लार्ज डर्ट। तो ये मेरे डिस्क्रिप्टर फॉर इनपुट वेरिएबल डर्ट के लिए हो गया, तो 3 हो गए। उसी तरह से ग्रीस का लेना है, तो जैसा आप देख सकते हो ग्रीस का डिस्क्रिप्टर क्या होगा, नो ग्रीस, मीडियम ग्रीस और लार्ज ग्रीस। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें 5 डिस्क्रिप्टर लेने हैं आउटपुट के लिए, तो हाँ ले लेंगे यार, अपने हो गया है, अगर 7 भी लेते तो क्या बना लेते थे, तो 5 देख लेते। सबसे पहला वेरी शॉर्ट, आउटपुट क्या है मेरा वॉच टाइम, तो वॉच टाइम हम मिनट्स में ले रहा था, तो वॉच टाइम क्या हो सकता है, सबसे कम टाइम वेरी शॉर्ट, या फिर शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज। अगर 7 बोला है तो वेरी वेरी शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट, लार्ज बोला, 8 बोला तो वेरी वेरी लार्ज। अरे खींचो ना लंबा जितना खींच सकते हो अपने पे, समझ रहे हो क्या। तो जैसे ही आपको बोल रहा है उसके बेस पे आपको बनाना है, अपने को 5 बोला तो हमने 5 बना लिया, तो स्टेप 1 आपका खत्म भाई, यही 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाते हैं बीच में से, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया एकदम क्लियर। अब आया था स्टेप 2 पे, तो स्टेप 2 क्या था अपना, स्टेप 2 था अपना डिफाइन मेंबरशिप फंक्शन फॉर ईच ऑफ द इनपुट आउटपुट वेरिएबल। तो मेंबरशिप फंक्शन मैंने आपको कहा है एक और बार, अगर आपने मेरा ट्रायंगुलर वाला मेंबरशिप फंक्शन का वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो जरूर देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते थोड़ा सा, दिखने में डरावना लेकिन काफी ईजी है, भले दिखने में डरावना है लेकिन काफी ईजी है और बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है। स्टेप क्या था कि डिफाइन मेंबरशिप फंक्शन फॉर ईच ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल, वी यूज ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले किसके लिए ले रहे, इनपुट ले रहे, इनपुट वेरिएबल के लिए, डर्ट के लिए ले रहे, तो मेंबरशिप फंक्शन फॉर डर्ट। तो क्या करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है बता देता हूं भाई। ना एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो, बना दी, एक्स में लग दो 13%। तो ये मेरा जो भी है 13% है, और ये मेरा मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू है। तो जैसे आप देख सकते हो हमने 3 डिस्क्रिप्टर लिए थे डर्ट के, स्मॉल डर्ट, मीडियम डर्ट, लार्ज डर्ट। तो उनको 3 लिख लो और यहां पे 3 वैल्यू दे दो। स्मॉल डर्ट है यानी समझो मैं उसको 0 लेता हूं, मीडियम डर्ट है तो 50 और लार्ज डर्ट है तो 100। आप ऐसे भी ले सकते हो 0, 10, 20, ऐसे भी ले सकते हो 0, 30, 60, अपने पे कोई ऐसा नहीं है। अब तक मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर एक लाइन मारी, नीचे एक लाइन मारी और इन द वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको ट्राइंगल बनाना है स्मॉल डर्ट से। तो ये ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया और एक नीचे से, मतलब यहां से 2 ट्राइंगल खींचने, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, 2 ट्राइंगल बन चुके ऑपोजिट में बस। अब इसके बेस पे आप पूरा ये जो ये 3 वैल्यू है आप खड़े खड़े इन वैल्यूज को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूं, मैंने ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन यूज किया है। तो ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को देखने का, इन 3 वैल्यू के बेस पे आप ये चीजें निकालोगे, इन 3 वैल्यू के, नीचे कुछ नहीं देखना है, ऊपर ही देखना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेंबरशिप फंक्शन फॉर स्मॉल डॉट। तो स्मॉल डॉट के लिए क्या फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो मेंबरशिप फंक्शन ऑफ स्मॉल डर्ट, तो जहां भी आप फाइंड कर रहे हो ना उधर एक्स अज्यूम कर दो। इधर का फाइंड कर रहा हूं, इस लाइन का फाइंड कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं एक्स अज्यूम करूंगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहली लाइन कौन सी है इधर, मैं क्या बोला था ऊपर वाले को देखने का, सबसे पहली लाइन ये है तो ये सबसे स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको देखूंगा, इसको और इसको, ठीक है। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो इसको मैंने एक्स अज्यूम किया, तो 50 - x / 50 - 0 हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। पहले ऊपर वाले को लेना है फिर नीचे वाले को लेना है डिवाइड में। तो 50 - x / 50 - x / 50 - 0 = 50। तो स्मॉल डॉट का क्या निकला, 50 - x / 50। और ये रेंज भी लिखनी है, तो ये किसकी रेंज में आ रहा है, 0 से 50 में, तो 0 और 50 के बीच में एक्स डाल दो। अब आ जाते हैं मीडियम डॉट, मीडियम डॉट, तो मीडियम डॉट को 2 लाइन टच हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। जैसा मैंने देखा 2 वैल्यू आएगी, सबसे पहले इसको एक्स अज्यूम करना है, अब ये वाली लाइन को अज्यूम करना है। फॉर्मूला क्या है, वही
फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, रेंज वही होगी। तो इसको मैं x अज्यूम करता था, x माइनस जीरो अपॉन 50 माइनस जीरो, तो x माइनस जीरो x होता है, 50 माइनस जीरो 50 होती है। तो इस लाइन की मैंने निकाल दी, इसकी रेंज क्या है जीरो से 50, तो जीरो से 50 निकाली। उसी तरह से अब इधर आ जाता हूं, ये मेरा x है, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो 100 माइनस x अपॉन 100 माइनस 50, तो 100 माइनस x अपॉन 100 माइनस 50 कितना होता है 50, और रेंज क्या 50 से 100, तो 50 से 100 और बीच में x। अब आए पे देखो, मैंने ऊपर की हमेशा लाइन ले रहा हूं, स्मॉल डॉट, मीडियम डॉट और लार्ज डॉट, तो मैंने अब ये वाली लाइन ले रहा हूं, तो ये वाली लाइन यहां पे x रहेगा, तो x माइनस 50 अपॉन 100 माइनस 50, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। जैसा आप देख सकते हो, x माइनस 50 अपॉन 100 माइनस 50 कितना होता है 50, तो इसकी रेंज कितनी है 50 और 100 के बीच में, ये लाइन की रेंज कितनी है 50 और 100 के बीच में, तो 50 और 100 के बीच में ये मैंने बना लिया। तो ये था मेरा सिर्फ किसके लिए, डर्ट के लिए, ये किसके लिए था सिर्फ डर्ट के लिए। तो उसी तरह से अभी आपको किसके लिए निकालना है, ग्रीस के लिए। ग्रीस के भी कितनी, तीन मेरे डिस्क्रिप्टर थे, नो ग्रीस, मीडियम ग्रीस, लार्ज ग्रीस, मैंने वैल्यू वही ले ली 0, 50, 100, दो ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, और सेम वैल्यू। लेकिन इस बार क्या, पिछले बार एक्स लिया था, इस बार वाई लूंगा। अबे यार अपने पास कितने 26 अल्फाबेट है, तो सिर्फ मैं एक्स क्यों ले रहा हूं, मैं बाकी अल्फाबेट्स भी ले सकता हूं ना। तो उसी तरह से इस बार हम क्या लेने वाले हैं, वाई लेने वाले हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले ये चीजें लिख ली, अब मुझे निकालना है नो ग्रीस का मेंबरशिप फंक्शन, किसका निकालना है, नो ग्रीस का मेंबरशिप फंक्शन। तो इसको मैं वाई अज्यूम करूंगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो 50 माइनस वाई अपॉन 50 माइनस जीरो, तो 50 माइनस वाई अपॉन 50 माइनस जीरो कितना होता है 50 होता है। तो रेंज कितनी थी 0 से 50, तो 0 से 50 सेम है। देखो अगर आप देखोगे तो सारी वैल्यू सेम है, x अपॉन 50 था, इधर y अपॉन 50 है, x माइनस 100 माइनस x अपॉन 50 था, तो 100 माइनस y अपॉन 50 है, ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि ये सारे जो ट्रायंगल है वो सब सेम है। तो सिर्फ x ही जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये किसके लिए था, ये तो इनपुट वेरिएबल के लिए था, अभी हमें आउटपुट वेरिएबल के लिए भी बनाना है, अब हमें आउटपुट वेरिएबल के लिए भी बनाना है। तो चलो बनाते हैं आउटपुट वेरिएबल के लिए मेंबरशिप फंक्शन फॉर वेस्ट टाइम, ठीक है, वॉच टाइम, वेस्ट टाइम नहीं, मेंबरशिप फंक्शन फॉर द वॉच टाइम। अब देखो भाई, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो ऊपर लिख लो, अपने पांच डिस्क्रिप्टर थे, तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, और उनके नीचे एग्जैक्ट नीचे आपको क्या नंबर्स लिखने। देखो यार, ऐसा मैंने कोई बोला नहीं था, जरूरी के जो टाइमिंग होती है और ये जो टाइम होता है वो एकदम एग्जैक्ट पीरियोडिक होना चाहिए, कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और आपने अक्सर बुक में भी देखा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ना देखो 0 के बाद 10 लिया, 10 के बाद 25, 25 के बाद 40, और 40 के बाद डायरेक्ट 60 ले लिया, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने भाई जैसा देखा वैसा ले लिया, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वॉच टाइम ले लिया, यहाँ पे मैंने मेंबरशिप फंक्शन का ले लिया, मैंने ऊपर पांच वैल्यू लिख ली और उनके एग्जैक्ट नीचे क्या नंबर्स डाल दिए। अब मुझे क्या यहां से ट्रायंगल शुरू करना है, यहां से क्या करना है, ट्रायंगल शुरू करना है, तो एक दो, एक दो, जैसा आप देख सकते हो दो ट्रायंगल बन रहे, तो दो ट्रायंगल बना दिए, उसके बाद तो जैसे मैंने बोला था कि अपने को दो ट्रायंगल बना दिए हमने, दो ट्रायंगल, दो नीचे वाले, दो ऊपर वाले, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने पिछली बार निकाला है इनपुट वेरिएबल का, उसी तरह से हमें आउटपुट वेरिएबल का भी निकालना है, हमें आउटपुट वेरिएबल का भी निकालना है। तो ऊपर से चालू करने का, नीचे से अपने को मतलब नहीं है। सबसे पहली लाइन कौन सी है, सबसे पहला कौन सा टच हो रहा है, वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट का निकालेंगे, वेरी शॉर्ट मेंबरशिप फंक्शन ऑफ वेरी शॉर्ट इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो इस बार मैं जेड ले रहा हूं, पिछली बार डर्ट के लिए एक्स लिया था, अब फिर ग्रीस के लिए वाई लिया था, अब वॉच टाइम के लिए क्या ले रहा हूं मैं, जेड। तो जैसे आप देख सकते हो 10 माइनस जेड अपॉन 10 माइनस जीरो, तो 10 माइनस जेड अपॉन 10 माइनस जीरो, उसकी रेंज क्या है 0 से 10, तो 0 से 10 मैंने ले ली। अब आ जाते हैं इसके लिए, तो जैसा आप देख सकते हो इसके लिए दो है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, तो मेंबरशिप फंक्शन ऑफ जेड लिखना है फॉर स्मॉल, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ स्मॉल फॉर जेड, और दो चीजें लेनी है, समझ रहे हो, एक ही के अंदर दो है, तो इतना याद रखना, कभी कभी दो आते, एक ही में मत लिख देना, दो लिखना। तो इसको मैं जेड लेता हूं, तो जेड माइनस जीरो अपॉन 10 माइनस जीरो, तो जेड माइनस जीरो जेड होता है, 10 माइनस जीरो 10 होता है, रेंज क्या थी 0 से 10। अब आया था इसके लिए फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो 25 माइनस जेड अपॉन 25 माइनस 10, तो 25 माइनस जेड तो एज इट इज लिखूंगा, 25 माइनस 10 कितना होता है 15, तो 15 लिख लिया, रेंज क्या थी 10 से 25 के बीच में, तो 10 से 25 के बीच में। सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूंगा, मैं मीडियम के निकालूंगा, तो मीडियम के लिए मेरे को दो वैल्यू मिलेगी, लार्ज के लिए निकालूंगा दो वैल्यू मिलेगी, जैसे आप देख सकते हो मीडियम के लिए दो वैल्यू है, लार्ज के लिए दो वैल्यू है, और वेरी लार्ज के लिए सिर्फ एक वैल्यू है, जैसे आप देख सकते हो वेरी लार्ज यहाँ पे होगा, तो यहाँ इसको मैं जेड लूंगा, तो जेड माइनस 40 अपॉन 60 माइनस 40, तो जेड माइनस 40 अपॉन 60 माइनस 40 कितना होता है 20,
और इसकी रेंज कितनी है 40 और 60 के बीच में, 40 और 60 के बीच में। एक बार हमने क्या कर लिया, मेंबरशिप फंक्शन निकाल लिए, तो स्टेप थ्री पे आना है। अभी अपना स्टेप थ्री क्या है, जैसे आप देख सकते हो डिफाइन मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। इतना भी कर लोगे ना तो 7 से 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इधर आपको 7-8 मार्क्स मिल गए। अब आ रहा है फॉर्म अ रूल बेस। तो रूल बेस क्या होता है पता है, यहां पे ना थोड़ा सा इमेजिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉमन सेंस, लॉजिक, लॉजिक आप कह सकते हो। तो क्या करना है पता है भाई, आपके जो 3 डिस्क्रिप्टर थे ना, दोनों को ले लेने का लाइन में, इनपुट जो भी इनपुट वेरिएबल थे, ये हो गया डर्ट के लिए, ये हो गया ग्रीस के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो 3 3 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 × 3 9 मैट्रिक्स होगी। ये मेरा डर्ट है, ये मेरा ग्रीस है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है कि देखो भाई अगर, तो यहां आपको बनाना है रूल, तो फॉर्म अ रूल बेस। तो रूल कैसे बनाते मैं बता देता हूं। देखो स्मॉल डर्ट होगा और नो ग्रीस होगा तो टाइम कितना लगने वाला है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आने वाली है ना वो मेरी आउटपुट वेरिएबल की डिस्क्रिप्टर होने वाली है। इसका वॉच टाइम, वॉच टाइम आउटपुट ऑफ द वॉच टाइम होगा, तो वॉच टाइम के जो डिस्क्रिप्टर आप उन्होंने लिए थे, क्या लिया था, स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज। तो हमें वो चीजें इसके अंदर लेनी है। चलो स्टार्ट करते। तो भाई देखो जैसे आप देख सकते हो स्मॉल डर्ट और नो ग्रीस तो वेरी शॉर्ट टाइम होगा, मीडियम डर्ट और मीडियम ग्रीस तो मीडियम होगा, और लार्ज डर्ट और लार्ज ग्रीस तो वेरी लार्ज टाइम होगा। तो भाई ये तीनों चीजें तो आ गई, अब थोड़ा सा और भी देखो यार, मीडियम डर्ट और नो ग्रीस तो भाई वो ग्रीस में ज्यादा टाइम लगता है अगर आप देखोगे तो, मीडियम डर्ट है और ग्रीस है ही नहीं तो स्मॉल ले सकते हो, वेरी स्मॉल नहीं लिया मैंने, स्मॉल लिया लिया। उसी की तरह से लार्ज डर्ट है लेकिन नो ग्रीस है, ग्रीस है ही नहीं तो भाई मैं उसको मीडियम टाइम लगेगा। उसी तरह से स्मॉल डर्ट है लेकिन मीडियम ग्रीस है, डर्ट स्मॉल है, डर्ट मतलब बहुत कम है लेकिन ग्रीस है, इसलिए मैंने इसको टाइम कितना लिया, मीडियम। उसी तरह से मीडियम डर्ट है और मीडियम ग्रीस है तो वो तो मीडियम आ गया। अब जैसा आप देख सकते हो लार्ज डर्ट है लेकिन ग्रीस मीडियम है तो ये हो गया लार्ज। जहां लार्ज ग्रीस है ना तो उधर मैंने हर जगह लार्ज ही लिया, क्यों पता है भाई, ग्रीस ज्यादा है तो टाइम लगता ही है, तो लार्ज डर्ट शॉर्ट, लार्ज ग्रीस शॉर्ट डर्ट है तो लार्ज, लार्ज ग्रीस मीडियम डर्ट है तो भी लार्ज, और लार्ज ग्रीस और लार्ज डर्ट है तो वेरी लार्ज। तो इस तरह से बेसिक सा कॉमन सेंस लगा के अपने को जैसा लगता है वैसा बना देने का, ठीक है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए, किसी की वैल्यू एकदम करेक्ट नहीं आती भाई, उनको ये सारे स्टेप्स लेकिन होने चाहिए, ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जो एग्जामिनर है वो आपके स्टेप्स देख रहा है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आंसर नहीं देख रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई मेरा अलग आ रहा है, उसका अलग आ रहा है, मैं गलत हूँ, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भाई फर्जीफिकेशन है भाई, एससी का सीन ही वही, ठीक है, मीडियम की जगह ला जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब आ जाते अपना स्टेप थ्री हो गया, अब आ जाते स्टेप फोर पे। स्टेप फोर में क्या था, रूल इवेल्युएट, क्या बोला था, रूल इवेल्युएट एंड डीफजिफिकेशन। तो ये किस लिए है मैं ये बता देता हूँ कि सवाल में ये फंडा कहाँ पे आया है उस चीज को बता देता हूँ। इन्होंने ना अपने को कुछ पूछा था, इन्होंने हमें पूछा था कि शो दैट इफ द, अब सबसे पहले तो डिजाइन शुड बी सपोर्टेड बाय फिगर, और इधर पूछा था कि सेट द रूल्स फॉर कंट्रोल एक्शन एंड डिफर्सिफिकेशन, और इधर पूछा भी गया है कि शो दैट इफ द क्लोथ्स आर सॉलिड टू अ लार्जर डिग्री, मतलब अगर कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो वॉश टाइम विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो वॉश टाइम ज्यादा होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो उसी के लिए स्टेप फोर आता है रूल इवेल्युएशन में। तो यहां हम क्या करते, अजम्पशन करते, यहां हम क्या करते, अजम्पशन करते। हमें क्या पूछा गया कि अगर बताओ कि अगर मेरे कपड़े ज्यादा गंदे तो हमें बताना है। चलो आप देखते हैं भाई फोर्थ के रूल इवेल्युएशन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है कि अज्यूम डर्ट इज 60% एंड ग्रीस इज 70%। क्यों, हमें क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि बताओ कि अगर ज्यादा गंदा है तो भाई ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो डर्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं 60% और ग्रीस अज्यूम कर रहा हूं 70%। तो जैसा आप देख सकते हो कि अगर 60% में अज्यूम कर रहा हूं डर्ट तो 2 अपना मेंबरशिप फंक्शन निकालता है। तो यहां पे अपने को क्या करना है, हमें सीधा अपने मेंबरशिप फंक्शन पे आना है। जैसा आप देख सकते हो ये मेरा इनपुट वेरिएबल के मेंबरशिप फंक्शन है, तो डर्ट मेरा कितना 60%। तो 50 और 60 किसके रेंज में होता है, 50 और 100 के बीच में। तो जैसा आप देख सकते हो दो चीजें आ रही है, एक तो ये वाला मेंबरशिप फंक्शन आ रहा है, ये के वाला आ रहा है। तो इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो। जैसा आप देख सकते हो कि 50 और 100 के बीच में 60 आता है और इधर भी 50 और 100 के बीच में 60 आता है। तो 100 - x / 50 एंड x - 50/50 कौन सी आ रही है, मीडियम डर्ट और लार्ज डर्ट। ग्रीस क्या ले रहा हूं मैं, 70% ले रहा हूं। तो 70% देखना है कि भाई किधर आता है, किसके बीच में आता है, 70 आता है 50 और 100 के बीच में। तो 50 और 100 के बीच में कौन सी मेंबरशिप फंक्शन है, तो 50 और 100 के बीच में ये दोनों है। तो कौन से मीडियम ग्रीस है, मीडियम ग्रीस है लेकिन उसका पहला पार्ट नहीं है, दूसरा पार्ट है।
100 माइनस वाई अपॉन 50 एंड लार्ज ग्रीस है वाई माइनस 50 अपॉन 50। तो ये चारों चीजें मैं उठा लेता हूँ, ये चारों चीजें मैं उठा लेता हूँ। तो जो भी आप अजम्पशन करते हो, इतना जरूर अजम्पशन कर लेना कि भाई ये सारी चीजें ना आ जाए, कुछ चीजें हट जाए ताकि अपने को अच्छा हो। जैसा मैंने देखा, जैसे मैंने 60-70 लिया तो क्या कुछ वैल्यू ही है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 90-100 लो, समझ रहे हो, 60-70 ही लेने या फिर उसका 65 ले लो, ठीक है। आप मतलब अप्रोक्सीमेट अजम्पशन ले लेना, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने चार वैल्यू निकाल दी कि अगर मैं डर्ट 60% ले रहा हूं तो मैप्स टू मेंबरशिप फंक्शन मैप करता है, वो भी डर्ट वेरिएबल में। तो डर्ट वेरिएबल के दो निकाले थे, एक था मीडियम डर्ट 100 माइनस एक्स अपॉन 50 और एक था लार्ज डर्ट एक्स माइनस 50 अपॉन 50। उसी तरह से सिमिलरली ग्रीस का 70% अगर मैं ले रहा हूं तो वो भी टू मेंबरशिप फंक्शन मैप करता है, कौन सा है, एक है मीडियम ग्रीस वाई 100 माइनस वाई अपॉन 50, दूसरा है लार्ज ग्रीस y माइनस 50 अपॉन 50। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अपने जो वैल्यू ली थी उनको पुट करना है इसके अंदर। मैंने डर्ट कितना लिया था 60, तो x की जगह मैं 60 डाल दूंगा, और ग्रीस कितना लिया था 70, तो y की जगह मैं 70 डालूंगा। तो चलो वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं। इधर मैं सिर्फ ये दोनों वैल्यू देख रहा हूं, तो ये लाइन से वैसा है, कितना 100 माइनस x अपॉन 50, तो 100 माइनस 60 अपॉन 50, तो 100 माइनस 60 कितना होता है भाई 40 अपॉन 50, तो 4 अपॉन 5। उसी तरह से x माइनस 50 अपॉन 50, 60 माइनस 50 कितना होता है 10 अपॉन 50, यानी 1 अपॉन 5। उसी तरह से अब मैं y की जगह क्या डालूंगा 70, तो 100 माइनस 70 अपॉन 50, तो जैसा आप देख सकते हो 100 माइनस 70 अपॉन 50 क्या होता है 3/5। उसी तरह से y माइनस 50 अपॉन 50, 70 माइनस 50 अपॉन 50, 70 माइनस 50 होता है 20 अपॉन 50, यानी 2/5। अरे क्या हिंदी हो गई, 2/5, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, रूल इवैल्यूएशन कर लिए, ठीक है, चार निकाल दिए। अब इसके बेस पे मुझे बनाने हैं रूल, इसके बेस पे मुझे बनाने हैं रूल। कितनी वैल्यू मिली मेरे को, चार वैल्यू मिली, मीडियम डर्ट लार्ज डर्ट, मीडियम ग्रीस लार्ज ग्रीस। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मेरे को रूल्स बनाने, क्या करने, रूल्स बनाने। रूल्स कैसे बनाते, तो चलो देखते रूल्स कैसे बनाते। कुछ नहीं करना भाई, ये है ना मीडियम डर्ट है, इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, मीडियम डर्ट है इसको इन दोनों से कर दो, फिर लार्ज डर्ट है तो इनको इन दोनों से कर दो। कैसे कर दो बताता हूं। द अबव फोर इक्वेशन लीड्स टू फोर रूल्स वी नीड टू इवैल्यूएट, मीडियम डर्ट, मीडियम ग्रीस, डर्ट इज मीडियम, ग्रीस इज मीडियम, फिर वापस मीडियम डर्ट लार्ज ग्रीस, डर्ट इज मीडियम, ग्रीस इज लार्ज, सिमिलरली लार्ज डर्ट मीडियम ग्रीस, डर्ट इज लार्ज, ग्रीस इज मीडियम, फिर वापस लार्ज डर्ट लार्ज ग्रीस, तो डर्ट इज ग्लास, डर्ट इज ग्लास नहीं, डर्ट इज लार्ज एंड ग्रीस इज लार्ज। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है भाई। तो इसके बेस पे अपने को क्या इवैल्यूएट हो गए, चार रूल इवैल्यूएट हो गए। इधर ही स्टेप खत्म नहीं हुआ, आगे पिक्चर बाकी है, तो चलो देखते। सिंस द एंटीसीडेंट पार्ट ऑफ ईच ऑफ द अबाव रूल इज कनेक्टेड बाय एन एंड ऑपरेटर, वी यूज मिन ऑपरेटर टू वैल्यू द स्ट्रेंथ ऑफ ईच रूल। हर एक रूल का, अभी अपने रूल तो बना लिया, जैसे आप देख सकते हो, अभी एंटीसीडेंट मतलब ये दोनों जो मेन मुद्दे है इनको किसने कनेक्ट किया, एंड ने। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का स्ट्रेंथ निकालनी है मेरे को, हर एक रूल की स्ट्रेंथ निकालनी है। और हर एक रूल की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम से, ठीक है, मिन मैक्स यूज कर रहे हैं, पहले मिनिमम निकालेंगे उसके बाद मैक्सिमम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, मिन यूज करना है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि द ऑपरेटर, वी यूज मिन ऑपरेटर टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच रूल। तो सबसे पहले रूल का निकाल रहे स्ट्रेंथ ऑफ रूल वन, यानी डर्ट मिनिमम, डर्ट मीडियम और ग्रीस मीडियम। जैसे आप देख सकते हो डर्ट इज मीडियम एंड ग्रीस इज मीडियम। पहले रूल का मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, तो डर्ट इज मीडियम का और ग्रीस मीडियम का। तो इनकी जो वैल्यू मैंने निकाली थी, डर्ट मीडियम की वैल्यू क्या आई थी 4/5, ग्रीस मीडियम की वैल्यू क्या आई थी 3/5। तो उन दोनों को लिख देने का 4/5 3/5। अब इन दोनों में जो मिनिमम है उसको मैं लिखने का 3/5। सिमिलरली दूसरे रूल के लिए कि डर्ट मीडियम ग्रीस लार्ज, तो मैंने निकाला कि जो डर्ट मीडियम था उसकी 4/5 वैल्यू थी और जो ग्रीस लार्ज थी उसकी वैल्यू थी 2/5। इन दोनों में मीडियम क्या आता है, मिनिमम क्या आता है 2/5, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ रूल 3 एंड स्ट्रेंथ ऑफ रूल 4 निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ रूल 3 क्या था, रूल 3 क्या था, डर्ट लार्ज ग्रीस मीडियम, ठीक है। तो दोनों में से दोनों की वैल्यू क्या, 1/5 3/5, तो 1/5 आता है। फिर आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ रूल 4, डर्ट लार्ज एंड ग्रीस लार्ज। तो डर्ट लार्ज और ग्रीस लार्ज में दो वैल्यू थी, 1/5 एंड 2/5। तो 1/5 और 2/5 में मिनिमम कौन सा है, 1/5। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको, अपने पता है अपने रूल बेस बनाया था किधर है, ये रहा, आई होप ये आपको याद रहेगा। सिमिलरली क्या करना है, जो जो वैल्यू अभी अपने को रूल में मिली, क्या मीडियम डट लार्ज डट, मीडियम ग्रीस लार्ज ग्रीस,
तो उनको लिख देने का मीडियम डॉट लार्ज डॉट मीडियम ग्रीस लार्ज ग्रीस, लेकिन क्या मेंबरशिप फंक्शन की साइन लेनी है, किसकी साइन लेनी है मेंबरशिप फंक्शन की, बाकी जगह कुछ लिखना नहीं है, ये डर्ट है ये ग्रीस है, बीच में लाइन मार दो। अब जैसा आप देख सकते हो, कि डर्ट मीडियम एंड ग्रीस मीडियम, डर्ट मीडियम ग्रीस मीडियम दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिली 3/5, तो इधर क्या लिखूंगा 3/5 डर्ट मीडियम ग्रीस लार्ज, डर्ट मीडियम ग्रीस लार्ज क्या मिली 2/5 लिखना है। उसी तरह से डर्ट लार्ज ग्रीस मीडियम, डर्ट लार्ज ग्रीस मीडियम क्या वैल्यू मिली 1/5, उसी तरह से डर्ट लार्ज ग्रीस लार्ज क्या वैल्यू मिली 1/5 लिख दिया। बाकी जगह कुछ है वैल्यू, कुछ और रूल बने नहीं बने, हर जगह क्या डाल दिया x। अब इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा अपने रूल बेस से, तो रूल बेस में जो जो वैल्यू है उनकी जगह मैं उनकी वैल्यू लिखूंगा। अब उन्हें क्या क्या अज्यूम किया था, मीडियम लार्ज लार्ज वेरी लार्ज, तो आप देख सकते हो मीडियम लार्ज लार्ज वेरी लार्ज, बाकी सब जगह क्या करना है एक्स लिख देना है। तो अभी मैंने क्या किया है, जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3/5 को ही मेन पॉइंट आउट किया है और जो मीडियम है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। क्यों कंपेयर किया 3/5 को, क्योंकि इन सब में सबसे मैक्सिमम मेरा मेंबरशिप फंक्शन कौन सा है, तो इन सब में मेरा सबसे बड़ा मैक्सिमम मेरा मेंबरशिप फंक्शन होता है 3/5, तो इसीलिए मैंने उसको इवेल्युएट किया, इसलिए मैंने उसको भाई शो ऑफ किया। ठीक है, अब आ जाते आगे स्टेप 5 पे के डीफजिफिकेशन। Since we use mean of max, mean of x यानी min max जो हम use कर रहे थे, तो आ जाते भाई step 5 में defuzzification। भाई step 4 हो गया, उधर अपन ने क्या निकाल दिया, strength निकाल दी। तो step 4 में हमने वो क्या क्या करना था, सबसे पहले तो evaluation करना था, rule के evaluation कर दिए, rule बना दिए, और हर एक rule का अपन ने क्या निकाल दिया, strength निकाल दिया, यानी क्या रूल की वैल्यू निकाली और उनमें से मिनिमम निकाल दिया। अब आया था डीफजिफिकेशन। डीफजिफिकेशन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, मतलब हाँ ऐसा रेंज में नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग मीन ऑफ मैक्स डीफजिफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हफ्ते को मिनिमम वैल्यू मिली थी उन सबका क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो मैक्सिमम ऑफ S1 S2 S3 S4 यानी स्ट्रेंथ ऑफ रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4। तो स्ट्रेंथ ऑफ रूल 1 3/5 2/5 1/5 1/5, तो इन सब में मैक्सिमम कौन सा था 3/5, जैसा आप देख सकते हो इन सब में मैक्सिमम कौन सा था 3/5, और ये क्या है S1 S2 S3 S4, तो ये अभी अपन ने पहले ही किया था क्या, S1 S2 S3 S4। ठीक है, अब इन सब में मैक्सिमम क्या था 3/5, 3/5 किसकी वैल्यू थी, 3/5 अगर आप देखोगे तो वो रूल 1 की वैल्यू थी, 3/5 किसकी वैल्यू थी, रूल 1 की वैल्यू थी, क्या था डीएम एंड जीएम यानी डर्ट मीडियम एंड ग्रीस मीडियम। ठीक है, तो वो मेरी दिस करस्पॉन्ड्स टू रूल 1, तो रूल 1 क्या था, डर्ट इज मीडियम एंड ग्रीस इज मीडियम हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ 3/5। टू फाइंड आउट द फाइनल डीफजिफिकेशन वैल्यू वी नाउ टेक एवरेज मीन। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूं, एक और बात बोलूं तो मैं, जैसा आप देख सकते हो कि डर्ट मीडियम और ग्रीस मीडियम में 3/5 आ रहा था। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो आ रहा है क्या, हाँ ये डर्ट मीडियम है ये ग्रीस मीडियम है, इन दोनों को मैं लाऊं तो बीच में क्या आ रहा था 3/5। 3/5 बोले तो मीडियम, मीडियम किसका, आउटपुट फंक्शन का, वॉच टाइम का। जैसा आप देख सकते हो इधर भी क्या, डर्ट मीडियम ग्रीस मीडियम अगर इन दोनों को मैं लाइन पे लाऊं तो मीडियम आ रहा है, इधर मैंने किस कौन सी वैल्यू लिखी है, आउटपुट फंक्शन की। तो मेरे को अभी जो वॉच टाइम ऑफ मीडियम है उनको निकालना है, सिर्फ मीडियम का। तो जैसा आप देख सकते हो वॉच टाइम ऑफ मीडियम जब मैं निकालू तो इधर गया, तो जैसा आप देख सकते हो कि वॉच टाइम ऑफ सिर्फ मीडियम निकालना है मेरे को, MD और MG तो जो आउटपुट है वो मीडियम है, तो मेरे को सिर्फ मीडियम का वॉच टाइम निकालना है। तो मीडियम का वॉच टाइम क्या आता है, ये रहा मेंबरशिप फंक्शन ऑफ मीडियम, जैसा आप देख सकते हो 10 - z - 10/50 एंड 40 - z / 50। तो ये दोनों को उठाना है, तो जैसा आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को उठाया। तो फाइंड आउट द फाइनल डिफजिट वैल्यू व्हेन यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ मीन ऑफ मेंबरशिप फंक्शन ऑफ मीडियम जेड, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ जेड, जेड यानी जो मेरा आउटपुट फंक्शन था। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो मेंबरशिप फंक्शन ऑफ मीडियम जेड इज इक्वल टू z - 10/50 एंड मीडियम जेड इज 40 - z / 50। अब क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था मेंबरशिप फंक्शन मीडियम की वैल्यू 3/5 है, मेंबरशिप फंक्शन मीडियम की वैल्यू 3/5 है जो अभी आपने निकाली, जो अभी हमने खुद निकाली। जैसा आप देख सकते हो इधर आपने वैल्यू क्या डाली थी 3/5, और हमने खुद कैलकुलेट भी की थी कि जब डर्ट मीडियम और ग्रीस मीडियम होगा तो उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 3/5। तो दोनों जगह मैंने 3/5 वैल्यू पुट कर दी, तो जब मैं इनको पुट करता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 15 को उधर डाल देता हूं और 10 को अंदर डाल देता हूं, तो मुझे दो वैल्यू मिलती है,
z is equal to 19 और z is equal to 31. तो भाई ऐसा नहीं चलना, समझ रहे, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मीन ले लेता हूँ. ठीक है, तो 19 प्लस 31 अपॉन 2, जब मैं मीन लेता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, 25. तो जैसे आप देख सकते हो 19 प्लस 31 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 मिनट. तो ये मेरा फाइनल आंसर है वॉच टाइम के, भाई ऐसा आता है. ठीक है, तो ये था अपना सम ममदानी मॉडल. हाँ, अगर आप, मेरे को मालूम है कि आपको एक वो ग्राफ रहेगा, वो भी आप बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना भी कर लिया ना तो आपके 17-18 मार्क्स कहीं नहीं गए. काटने वाले काटेंगे तो दो काटेंगे, लेकिन बाकी. और एक और बात बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर और बाकी का आंसर सेम है. ये पूरा सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, ऊपर फजी लॉजिक पे बेस है, लेकिन सारे स्टेप इन्वॉल्व होने चाहिए. तो इसकी मैंने ना काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं, जिसमें सारे स्टेप्स है, और ये जो पूरा मैंने सम सॉल्व किया है इसको मैंने पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए गए हैं. आप बताए गए कि किस तरह से आप हमारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के नोट्स ले सकते हो. तो बस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. अब वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं. एक बार मैं वापस इसके स्टेप सम अप कर देता हूँ लास्ट टाइम पे. तो जैसा आप देख सकते हो, हाँ ये रहे स्टेप्स. सबसे पहले क्या करना है, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल अपने को ये करने, क्या आइडेंटिफाई करने है और उसका डिस्क्रिप्टर बनाना है. तो यहाँ पे अपने को 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद बनाना है मेंबरशिप फंक्शन फॉर ईच आउटपुट एंड इनपुट वेरिएबल. मेंबरशिप फंक्शन बोले तो क्या, ट्रायंगल बनाने के, और ट्रायंगल मेंबरशिप फंक्शन का रूल बनाना है. तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन काफी इजी है भाई. अगर आपने मेंबरशिप फंक्शन का वो वाला सम देखा लेगा, ट्रायंगल मेंबरशिप फंक्शन, तो ये आपके लिए बहुत इजी है. उसके बाद रूल बेस बनाना. रूल बेस तो अपने लॉजिक पे बनाना अपने हिसाब से, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर देना. ऐसा नहीं कि लार्ज डर्ट और लार्ज ग्रीस है तो मैं टाइम स्मॉल कर दू, उतना नहीं. मतलब भाई समझ रहे हो कि अपने हिसाब से बनाना है. फिर करने रूल इवैल्यूएशन. रूल इवैल्यूएशन बोले तो क्या, रूल इवैल्यूएशन मतलब अपने को अज्यूम्पशन करना है कि हाँ भाई ये 60% है, ये 70% है. अपने को अपने फिर रूल्स निकालने और उनकी स्ट्रेंथ निकालनी है मिनिमम. डिफजीवेशन में क्या करना है, हमें जो अपने मिनिमम निकाले हैं उनका मैक्सिमम निकालना है, और उसका जो आउटपुट था उसका एवरेज निकालना है. बस दैट्स इट. तो ये था ममदानी मॉडल. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. वंस अगेन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम. हो सके तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके ग्राफ का वीडियो बनाए जो जल्द आने वाला है. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, और बहुत सारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के वीडियोस आने वाले बिफोर एग्जाम्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके. नोट्स रेडी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के. बस भाई हैव अ नाइस डे. फैलाओ जितना फैला सकते हो दोस्तों को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.